नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति। आपको कॉलिंग के लिए स्पीड और लिखने के लिए स्पीड का ये कोई टेक वीडियो नहीं है। आपको गुस्सा आ रहा होगा ना, टेक वीडियो की नहीं है, टीवी का चैनल है, टेक वीडियो नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, मैं आगे चलकर इस वीडियो में बताऊंगी। और इस डे का कुछ महत्व है, अगर आपको पता नहीं है, मैं फ्राइडे वीडियो बना रही हूँ। इस मंथ के फ्राइडे यानी 11th May बना रही हूँ, लेकिन वाई फाई अगर प्रॉब्लम हो तो ये अपलोड हो सकता है सैटरडे को, तो डिले हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बधाई, आपके लिए तो बिलेटेड बधाई होगा, लेकिन बधाई बधाई है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन का महत्व क्या है। 11th May 2018 है, लेकिन फिर भी 11th May को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर से मनाया जाता है। मैं और बता दूं कि मैंने 11th May को बना तो दिया, लेकिन अब तक मैंने YouTube में जितने भी टेक्निकल चैनल्स को सब्सक्राइब किए हैं, उसे किसी भी चैनल में मैंने नहीं देखा कि 11th May को नेट पर, जिसका नेट सही है, उन्होंने भी ये वीडियो अपलोड नहीं किया है कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि इंडिया में सिर्फ मनाया जाता है। इसलिए सिर्फ है क्योंकि 11th May 1998 को प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर घोषित किया था। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस दिन हमारे पोखरण यानी राजस्थान में एक मतलब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, और बहुत से न्यूक्लियर टेस्टिंग्स हुए थे उसी दिन पर। इसी दिन को याद में रखते हुए 11 मई को हमेशा की तरह नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह मनाया जाता है। और इस दिन बहुत साइंटिस्ट को प्राइजेस मिलती हैं, जैसे कि उन्हें सिर्फ साइंटिस्ट को पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, और मतलब पद्मभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न जो साइंटिस्ट को मिलता है, और एक 10 लाख का ट्रॉफी मिलता है। तो ये है 11th May की सच्चाई। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि क्या बताऊँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो हैप्पी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और इसके साथ साथ बिलेटेड भी, क्योंकि बिलेटेड हैप्पी टेक्नोलॉजी, मतलब हैप्पी नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि ये सैटरडे को भी अपलोड हो सकता है। तो चलिए जानते हैं टेक वीडियो क्यों नहीं है। ये टेक वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि आगे चलकर मैं एक न्यूज़ आपको देने वाली हूँ। एक न्यूज़ क्योंकि हमेशा तो टॉपिक मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी कि आप कैसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पा सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं भी आगे चलकर टेक न्यूज़ को इसके साथ साथ कुछ टेक वीडियोस भी बनाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कैसे टेक व्यू मतलब टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाएं, टॉपिक हर रोज कैसे लाएं। अभी तो छुट्टियां चल रही है तो वीडियोस बहुत अच्छे आएंगे। फिर भी मैं आपको अभी कुछ दिन तक मतलब अप टू 19th May, कुछ दिन 19th May तक मैं पूरा बिजी हूँ, तो 19th May तक मैं आपको सिर्फ टेक न्यूज़ ही दूंगी। टेक न्यूज़ सुनिए, मजा कीजिए। मोबाइल में क्या क्या अपग्रेड आया है, क्या अपग्रेड आया है सॉफ्टवेयर में, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। तो आशा करती हूँ आज आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर इसे पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और ये चीज फिर से रिपीट होने वाला है। धन्यवाद, जय वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और ये कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।